जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भला ये ब्लूटूथ और सेटअप बॉक्स चक्कर क्या है, तो मैं आपको डिटेल्स में बता दूं। ये जो मेरे पास है वो एक डोंगल ब्लूटूथ है। जी हाँ, ये पेन ड्राइव की तरह ही होता है, लेकिन ये उसके अंदर मेमोरी नहीं होती है, हमारे मोबाइल से वो कनेक्ट होता है। और मोबाइल में जो भी आप भेजते हो, मतलब उसे कनेक्ट होने के बाद हम मान लो कि वो सॉन्ग प्ले किया, तो वो डेटा यहाँ देगा और वो सामने वाला डिवाइस वही समझेगा कि ये पेन ड्राइव लगा हुआ है और वहाँ वो प्ले कर देगा, उसको फॉलो कर देगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, वो कैसे काम करता है। और इसकी मदद से हम इसको हम सेटअप बॉक्स में कनेक्ट करके हम अपने मोबाइल का सॉन्ग सेटअप बॉक्स में सुन सकते हो, तो इससे आपका बहुत सारा फायदा होगा। अब आप सोच रहे फायदा क्या होगा कि अगर आपके पास होम थिएटर नहीं है और दूसरा स्पीकर भी नहीं है, तो ऑलवेज टीवी या एलसीडी में स्पीकर तो होते ही है, तो सेटअप बॉक्स की मदद से मतलब एक ही डिवाइस से आप सब कुछ कर सकोगे, अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों उसके बारे हम डिटेल में बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में मयूर, इनके चैनल का नाम है स्मार्ट इंडिया, जो आपको बना सकते हैं शायद स्मार्ट, अगर आपको दोस्तों बनाने कुछ DIY बेस्ड चीजें, अगर दोस्तों आपको शौक है इलेक्ट्रॉनिक में जाके देखो मयूर का चैनल। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। तो गाइड्स, हम अब टीवी पर आ गए हैं और यह हमारा सेटअप बॉक्स है, और इस सेटअप बॉक्स में हम ये ब्लूटूथ डोंगल है, आप जरा ध्यान से देख लो, ये हम लगाने वाले हैं। इसकी प्राइस है करीब 200 से 250 रुपए में मिल जाता है मार्केट में, ऑनलाइन में उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आप जाओगे तो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसे कनेक्ट करते हैं अपने सेटअप बॉक्स में। तो मेरे पास ये सॉलिड का 6141 का सेटअप बॉक्स है, जहाँ तक आप देख सकते हो। आपके पास भी USB वाला सेटअप बॉक्स होना आवश्यक है फ्रेंड। तो ये मेरे पास USB वाला है, तो यहाँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमने कनेक्ट कर दिया ब्लूटूथ, और यहाँ ऐसे लाइट ब्लिंक होने लगी है, ये मतलब बता रहा कि यहाँ कनेक्ट हो गया। और अब हमें क्या करना है कि मोबाइल की ओर जाना है और मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करना है। तो भाई अब हम मोबाइल में जाते हैं और यहाँ हम ब्लूटूथ ऑन करते हैं। तो यहाँ हमने ब्लूटूथ ऑन कर दिया और इसको स्कैन करोगे तो यहाँ आ गया जाएगा। तो यहाँ मैंने पहले कनेक्ट किया था एक बार, तो यहाँ ये जो BT डोंगल है वही हमारा ब्लूटूथ है, तो यहाँ हम कनेक्ट कर लेते हैं। और ये देखो, यहाँ हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, यहाँ सिंबल हो गया। तो दोस्तों अब हम इसको चेक करते हैं कि काम करता है कि नहीं। अब आपको क्या करना होगा कि अपना जो सेटअप बॉक्स है उसका रिमोट है, तो उसके अंदर से USB सिलेक्ट कर देना है। ये तो अभी ये देख रहे हो आप, TV चल रहा है, तो हमें USB मोड पर लाना है। तो यहाँ ये आप देख सकते हो, यहाँ USB लिखा हुआ मीडिया, तो वो बटन हम प्रेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो वो आ गया है मीडिया सेंटर, ये आप अच्छी तरह से देख लो। और ये जो है लिखा हुआ है जो UDS, वो हमें ओपन करना है, तो ये हमने ओपन कर दिया है। और ये डोंगल के अंदर के जो साउंड है वो आपको दिखा रहा है। अब हम सीधा सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं। तो मोबाइल का प्लेयर हम ऑन करते हैं, तो अब हम सॉन्ग को प्ले करने वाले हैं। ये हमारा मोबाइल है, ये
सेटअप बॉक्स है और ये डोंगल है और वो यहाँ टीवी लगा हुआ है और उसमें हमने ये यूएसबी मोड कर दिया है। बस आपको क्या करना है कि यूएसबी मोड करके यहाँ जो म्यूज़िक है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपको बस इतना ही करना है। बस फिर तो आप डायरेक्टली सॉन्ग ही सुन पाओगे। तो हम ये मोबाइल में प्ले करते हैं सॉन्ग। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने सेटअप बॉक्स में अपना मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट किया। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और आपको लगता है कि इस वीडियो से हमें कुछ भी फ़ायदा हो सकता है तो अपने फ्रेंड को शेयर करो और लाइक तो बिल्कुल करो ही करो। और हमारे चैनल स्मार्ट इंडिया को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।